गाइस, मैं आपका जैक इज क्रेजी। तो आज के टॉपिक कुछ हटके होने वाला है। आज मैं अपनी वीडियो में अपनी बहन को भी लाने वाला हूँ, तो मतलब अपनी सिस को, बहन से जो भी बोल सकते, ठीक है। तो आज मैं लाने वाला हूँ, और उससे पहले आप ही छोटी सी वीडियो क्लिप देख लो और मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। पहले आप वीडियो क्लिप देख के आ रहे अरविंद केजरीवाल की तरफ से आए हैं, जो राशन कार्ड के द्वारा जिस जिस घर में रहते हैं उनके लिए हेल्प के लिए हैं, और ये उनके साथ सहयोगी हैं, और बहुत हम धन्यवाद देते हैं अरविंद केजरीवाल का, जो इस टाइम इस मुहिम को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी इस टाइम मुख्यमंत्री की तरफ देख रहा है कि वो कुछ करें, चीफ मिनिस्टर की तरफ। तो ये उनकी तरफ से है, और आप थोड़ा दिखाएंगे आपने क्या क्या किया है। ये हमारा ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट है, जिसमें पहले स्वर्ण जंत्री का किया है। स्वर्ण जंत्री ए ब्लॉक, ये पहले स्वर्ण जंत्री का किया है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डिलक्स, ब्रह्मपुत्र, यानी कोई छूट न जाए। अभी नर्मदा भी करेंगे, ये कावेरी भी करेंगे। अरविंद जी का जो स्कीम है, कोई इसमें छूट न जाए, सबको राशन मिले, और कोई भूखा रहता है तो उसका भोजन नहीं मिले, लेकिन मिलना चाहिए। अगर आप लोग भी कोई जानकारी में कोई मजदूर अगर खाने पीना कहीं रोड पे है तो मुझे अवगत करें, मैं उसको खाना प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जाइए। खाने का भी हमारा हेल्प स्पेशल स्कूल में, और कोई गरीब लोग है ना उसको भेज सकते हैं। क्लिप देख के आ चुके होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि उस क्लिप में मैं कहाँ हूँ। तो मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया था, वैसे मेरे डैडी ने शूट कर लिया। तो मैं आपको ये बताता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर दूँ जो आपने वीडियो में देखा। आप लोग वो वैसे समझ तो आ ही गया होगा, बट मैं भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। वहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो वेमेंस हैं उनके जो आधार कार्ड पे लिंक करके राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो भी फ्री में। गाइस, फ्री में, ध्यान से सुनना, फ्री में। जो अरविंद केजरीवाल जी के बिहाफ पे जो लोग आए थे, जैसे मेरे बिहाफ पे मेरे डैड ने शूट किया, वैसे उनके बिहाफ पे लोग आए थे, या आपने देख लिया होगा, दो लोग थे, तो वो करवा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी आए और आपके यहाँ पे भी शायद आएंगे। तो पहले ये वीडियो आप सब में शेयर कर दो, ताकि आप कोई डरे ना कि राशन नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है गाइस। ओके, तो चलते सीधा मेरी सिस की तरफ। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ जैक इज क्रेजी की सिस्टर, और मैं आज 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 सबको बताने आई हूँ जो इस समय हमारी सोच है, जो इस समय हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इस समय जो हमारी सोच, हम बोर हो रहे हैं। आज छोटा सा उस टॉपिक पे मैं आपको बताने आई हूँ, बट रुको ऐसे नहीं बताऊंगी। मेरा भाई इंट्रो देखता है, आने से पहले उसका इंट्रो कुछ अलग सा होता है, तो मैं भी अपना इंट्रो कुछ अलग सा ही लेके आई। मेरा भाई हमेशा ऐसे बोलता है, जैक इज क्रेजी, मैं नहीं बोल सकती ऐसे, मेरा कुछ हटके अलग है। सो हम दोनों मिलके मेरा इंट्रो देंगे आपके सामने। थ्री, जैक इज क्रेजी, हो गया हमारा इंट्रो। आपने देखा कितना अच्छा इंट्रो था, कितना फंकी भी था। तो अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, तो वो बहन बताएंगे, यानी कि माय सिस। जो मेरा मेन टॉपिक है, जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, वो इस समय है कि स्टे होम स्टे सेफ, जो हर जगह टॉपिक फैला हुआ है, जिस टॉपिक को सुन के हम यूथ बोर हो रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, और ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय यूथ की, जो जाके भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो बाहर जाएंगे। जैसे मेरा भाई कल आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए बाहर गया, ठीक है, उसने वीडियो शूट की, बट डर ये भी था कि पुलिस वाले हैं, गुस्सा होंगे, और वो जैसे मोदी जी ने कहा कि घर से बाहर ना निकले, प्लीज उस चीज को मानिए, क्योंकि भी आपको तो ये बोर लग रहा होगा, क्यों माने, बट मानिए, क्योंकि घर से अच्छा कोई अच्छा प्लेस नहीं है। ये चीज मेन है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो मेरा जो टॉपिक है वो है स्टे होम स्टे सेफ। अगर हम घर में रहेंगे तो हम घर में हमारी अपनी लाइफ को सुरक्षित बना सकते, ठीक है। आज हम लोग बाहर जाने के लिए बहुत हमारा इंटरेस्ट बढ़ा कि हमें बाहर जाना, हम बाहर नहीं जा पा रहे, बट हाँ, हम घर में रह के भी सेफ रह सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं, अगर क्यों मैं सही कह रही हूँ, जब अगर हम अपने दिल को बनाएं तो, क्योंकि ये है कि ये सब हमारे दिल का खेल होता है, हमें हैबिट लग चुकी है रोज डेली, क्योंकि देखिए हम यूथ हैं, अब मैं अपनी क्लासेस जाती हूँ, कोई अपने ऑफिस जाता है, तो डेली का रूटीन है, और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनमें इस समय हमने अपनी लाइफ को उन्हीं चीजों में रह चुके हैं, हमारी बाउंड्री वही है, हम उससे पार जाने की कोशिश नहीं करते, क्यों मैं सही कह रही हूँ,
हमें उससे पार जाके ये लगता है। और हमेशा मेरा टॉपिक ये है कि हमेशा हमारे घर वालों की एक कंप्लेंट हमसे जरूर रहती है कि यार आते हो फोन में लगे रहते हो, हमें टाइम नहीं देते। ये तो मेरे भाई को भी बोलते हैं, ये तो मुझे भी बोलते हैं, तो शायद आप लोगों को भी जरूर बोलते होंगे कि भाई हाँ तो जैसे टाइम दो टाइम दो टाइम दो, और हम लोग टाइम नहीं देते क्योंकि हमें अपना डेली रूटीन बहुत मस्त लगता है। यार बोर नहीं होते हो क्या इस रूटीन से? बदलो लाइफ में, कुछ ऐसा करो जो हटके हो यार। जैसे इस समय हमारे मोदी जी ने कहा है स्टे होम, जिसको लेके हम कहते हैं ओ माय गॉड क्यों हम इस चीज को, हमारे लिए बहुत पकाऊ टॉपिक है इस समय। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा क्यों पका, बट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है अगर दिल से सोचे तो, दिमाग क्यों दिल दिमाग से सोचे तो। मैंने आपको बोला 7 मिनट देखिए, 7 मिनट की वीडियो होगी और ज्यादा की होगी तो उसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि समझने वाली तभी हमारा इंट्रो भी कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मेरा जो बोलने का रीजन ये है कि हम दुनियावी चीजों में खो चुके हैं इस समय, और हमारे लिए सिर्फ जो हमारे दोस्त हैं, हमारा रोज का रूटीन है वो इम्पोर्टेंट है। बट हम घर वालों को, घर वाले भी इम्पोर्टेंट है तब जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो आज प्रॉब्लम है तो हम घर वालों को याद कर रहे हैं। भाई सच बताओ एक बात, ये भगवान का संदेश है हमको, आज भी हम रियलाइज कर ले चीज को कि जो स्टे होम का हमें एक टैग दिया गया है वो इसलिए भाइयों बहनों कि सिर्फ हम अपने घर वालों की वैल्यू को समझें। जिन लोगों पे, जिन दोस्तों पे, जिस बाहर की दुनिया पे हम विश्वास रखते हैं वो सिर्फ एक मौसम की तरह होती है जो पल में बदलती है, बट माँ बाप उस ऐसी चीज है, एक ऐसा पल है जो हर टाइम एक जैसा रहता है आपके लिए। चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आप उनसे बात ना करो, वो आपको मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। आज भी इस समय हम घर में हैं, हम घर में भी रहके इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हम घर में रहके अपने माँ बापों को, हमारे माँ बाप कितने, कई माँ बाप होंगे जिनको फोन चलाना नहीं आता, हम उनको फोन चलाना सिखाएं। उनके हाँ उनके साथ जो हम अपने दोस्तों के साथ लूडो खेलते हैं, सबके फोन में एंड्रॉयड फोन में लूडो तो जरूर होगा, हम हाँ हम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं खेलते उनको। हम क्या कहते हैं तुम्हें तो फोन चलाना नहीं आता, मैंने भी एक बार कहा है भाई, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, मैंने नहीं कहा फोन चलाना नहीं आता, फोन उठाना नहीं आता। भाइयों ये टाइम है हमें अपने माँ बापों को सिखाने का। उन्होंने हमें डलना सिखाया तो क्या हम उनको फोन चलाना नहीं सिखा सकते? वही यार, छोटी सी तो चीज है। तो आज अगर हम ये सब चीजें करेंगे उनके साथ, हम कभी उनके साथ राशन लेने गए हो? सबसे मेन बात तो यही पूछ लेती हूँ। लड़के तो शायद जब उनको जब तक बोलो नहीं हो तब तक जाएंगे नहीं। जैसे मेरा भाई दोस्तों में लगे रहेगा, स्कूटी चलाएगा पर जाएगा नहीं, पर जहाँ एक आवाज आती है तो गुस्से में करता है। आज उस चीज को प्यार से करो। तुम जानते हो अभी इस समय हम बाहर नहीं निकल पा रहे, हमारी इनकम खत्म हो रही है, तो इस समय वो हमारी जरूरतों को पूरी कैसे कर रहे होंगे? तो यार उनके उस सरों पर टेंशन है, तो उनके साथ बैठो, उनके साथ वो बातें शेयर करो जो अब तक नहीं किया, और बैठो उनसे बातें करो, उनसे पूछो यार क्या है क्या नहीं है, क्या लाइफ में वो चाहते हैं, अब तक उन्होंने किया है अब तुम करके दिखाओ। सो देखो जो तुम बाहर वालों के लिए 2 मिनट के पैसे खर्च करते हो और सोचते हो कि अरे यार हो जाएगा, अब माँ बापों के लिए थोड़ा सा करके देखो, थोड़ी सी सेविंग माँ बापों के लिए लगाओ, वो तुम्हें जिंदगी भर उस चीज को रिपीट करते रहेंगे। और तुम्हारा टॉपिक जरूर होता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे आगे बुराई करते हैं, पर एक बात सच है, वो पीछे से तुम्हारी तारीफ जरूर करते होंगे। ये फैक्ट है। और तुम ये करोगे ना तो ये भी तुम्हें तारीफ मिलेगी। जो तुम्हारे दोस्त है ना, जिनके लिए तुम, हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने ऑफिस वालों के लिए जान छिड़कते हैं, बंद कर दोगे, कुछ हटके करो। ये जो एक्सपीरियंस है ये सब बोल रहा है, ये सब हमारा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे भाई का एक्सपीरियंस है। एक हफ्ता मैंने ये ट्राई किया है, घर वालों को टाइम देना, उनके साथ रहना, इन्वॉल्व होना जो होती नहीं थी। ये सबसे अच्छा मोमेंट है। आप लोग सोच रहे हो बेकार मोमेंट है, या कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन बहुत गलत किया है, बट ये बहुत अच्छा है गाइस। और घर से अच्छा प्लेस कोई नहीं, कोई नहीं। हम पूरी दुनिया में घूम के आ जाते हैं, नानी के यहाँ, बुआ के यहाँ, हम बोर हो जाते हैं 2 दिन में। अपने घर का खाना, अपनी मम्मी के हाथ की खाना और पापा के हाथ की डांट हम भूल जाते हैं, और उस टाइम फिर हमें बड़ा याद आता है, फिर हमें अच्छा लगता है घर पे आके 12-12 बजे उठना। तो यार अब इस समय है जो मोदी जी ने जैसे कहा स्टे होम स्टे सेफ, तो अपने होम में रह के भी वो एक्टिविटी करो कि तुम्हें बाहर जाने की
जरूरत ही ना पड़े, क्यों हम वो चीजों को तोड़े जो कानून मोदी जी ने बनाए, उनको माने, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए और अपनी ज्वाइंट फैमिली के, जो फैमिली तुम्हारे साथ रहती है यार, तुम चुपके से नीचे उतरते हो, घूमने जाते हो, वॉक पे जाते हो, तुम्हारा मन नहीं करता, तुम फिर भी जाते हो और मन नहीं मानता तुम जाते हो, बट तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने इन्फेक्शन, कितनी चीजों को छू के आते हो, डर्ट्स को, और फिर वही चीजें घर में आके मुंह, लड़के तो मैं जानती हूँ कि ठीक है आते जाते तुम बेड पे बैठते हो क्योंकि थक जाते हो, तो वही नहीं पता कि तुम्हारे वो हाथ कितनी जगह लगे होंगे, तो इन्हीं चीजों को मानो, जरूरी है, बट दिल से मानोगे तब होगा, बट अगर तुम इन चीज को इरिटेट लोगे कि मैं इरिटेट हो रहा हूँ, ये हो रहा, तो नहीं हो पाएगा। अब छोड़ दे यार, अब करते हैं, अगर ऐसे सोचोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। तो ये जो मेरी वीडियो थी, सिर्फ आपको इसकी मॉरल वैल्यू इतनी है कि जो आज तक अपने माँ बापों के लिए नहीं किया, दुनिया में हम खोए रहे, आज वापिस आ जाओ, भगवान की आवाज है भाई, भगवान की आवाज है, इस हमें सुन लो, क्योंकि वो तुम लोगों से, हम लोगों से तंग आ गए कि सुनते ही नहीं है, अपने माँ बाप सुनते ही नहीं है, तो तभी स्टे होम का हमें एक टैग मिला है, स्टे होम स्टे सेफ। तो आज करके देख लेते ना, इंटरेस्ट लेते हैं, तो आज इंटरेस्ट लो अपने घर वालों को, जो आज से टाइम नहीं दिया दो, सो सोचो जब तुम सो रहे होगे ना, उनके तुम्हारे सर पे वो हाथ रखे कहेंगे मेरा बेटा मेरी बेटी सुधर गई है। तो ट्राई करके देखो और कमेंट में हमें बताना कि आपने किया, तो उसको कमेंट में बताना जी। तो बिल्कुल आप ये ट्राई करें, मैं कभी और वीडियो में अगर मुझे एक अच्छा टॉपिक नजर आएगा, मैं जरूर अपने भाई के साथ आऊंगी और आपको ये सब बातें जरूर बताऊंगी, जो हमारी यूथ की एक सोच है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हम बदलेंगे तो ये पूरा यूथ बदलेगा, यूथ बदलेगा तो हमारा पूरा भारत बदलेगा और एक अच्छा भारत बनेगा। मोदी जी के साथ मिलके हमें स्टे होम को और बढ़ावा देना चाहिए और बाहर नहीं निकलना चाहिए, जितना हम बाहर नहीं निकलेंगे कोरोना वायरस हमारे दिल्ली से, हमारे भारत से भाग जाएगा, क्योंकि हमें उसको भगाना है यार, बाहर भी तो जाना है यार। तो सो आप इस चीज को समझें, अमल करें, अपनी जिंदगी को बदलें, और मेरे भाई की वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो बहुत अच्छी है, तो इसको तो ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, इसको बहुत ज्यादा शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है, इसको समझना, और जो लोग समझ गए होंगे उनको तो मैं जानते हैं वो शेयर करेंगे करेंगे, और जो नहीं समझे उनको मैं कहना चाहूंगा, उन लोगों को हम कहना चाहेंगे समझ जाओ यार, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करना, तब तक के लिए क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, दोबारा बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट जरूर करना ताकि हम शायद दोबारा इस टॉपिक पे बनाएं, अगर हमें मौका मिलेगा तो हम शायद दोबारा इस टॉपिक पे बनाएं। तो तब तक के लिए।